देखिए एक तस्वीर इस वक्त हयात होटल से भी आने लगी है। सोनिया गांधी दिखाई दे रही हैं, राहुल गांधी दिखाई दे रहे हैं, उद्धव ठाकरे पहुंचे अंदर, ममता बनर्जी अभी अभी हमारे सामने यहां पर होटल के अंदर जाती हुई नजर आई और सभी के चेहरे पर कॉन्फिडेंस तो बहुत दिखाई दे रहा है कि इंडिया अलायंस मजबूत है। 2024 के लोकसभा चुनाव में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को वो अपदस्थ कर सकते हैं, सरकार को गिराने की क्षमता ये 28 सियासी दल रखते हैं, लेकिन ये कॉन्फिडेंस जो कैमरे के सामने दिखाई दे रहा है क्या वो विद इन द मीटिंग भी दिखाई देगा? क्योंकि अगर हम ये कहें कि सरकार ने वन नेशन वन इलेक्शन की जो थ्योरी अब सामने रख दी है, एक मंशा सामने रख दी है, स्पेशल सेशन बुला लिया गया है, इसके बाद अब विचलित तो ये सियासी दल भी हो रहे होंगे। ये तस्वीरें आप देख रहे हैं, भले ही वो कैमरे के सामने ये कहें कि ये जल्दबाजी में लिया जा रहा फैसला है, भले ही विपक्षी दल ये कहें कि सरकार घबरा गई है, प्रधानमंत्री मोदी विपक्षी एका से घबरा गए हैं, लेकिन एक बात तय है कि महत्वपूर्ण चर्चा इससे जुड़ी हुई जरूर होगी। विजय लक्ष्मी हमारे साथ जुड़ी हुई है। विजय लक्ष्मी, आज इंडिया अलायंस 2024 में सीट शेयरिंग कैसे करेगा, इसको लेकर कोई रूल तय नहीं कर पाया है, कोई नीति तय नहीं कर पाया है, और वन नेशन वन इलेक्शन जैसा एक बड़ा मुद्दा आ गया है सामने। बिल्कुल मीनाक्षी, आज के एजेंडे में वो सीट शेयरिंग वाला जो डिस्कशन था वो था प्रमुखता से, और मुझे लगता है उस पर डिस्कशन भी होगा, लेकिन साथ ही वन नेशन वन इलेक्शन पर भी डिस्कशन आज की मीटिंग में होगा। एक तो तकनीकी पहलू है वन नेशन वन इलेक्शन का, और दूसरा पॉलिटिकल पहलू है। तो कई नेता जिनसे हमने बात की वो पूछ रहे थे या उनकी उनके दिमाग में इस तरह के क्वेश्चंस हैं विपक्षी नेताओं के, अगर मान लीजिए बीच में आप वन नेशन वन इलेक्शन तो भारत में था 1967 तक, फिर 1968 और 69 में कुछ प्री मेच्योर डिसोल्यूशन हुए असेंबलीज के, और फिर उसके बाद वो जो यूनिफॉर्मिटी थी चुनावों की वो डिस यूनिफॉर्मिटी में तब्दील हो गई। लेकिन अगर ऐसा ही होता है, क्योंकि कहीं पर सरकार गिर जाती है, अभी हमने पीछे देखा महाराष्ट्र में मैंडेट था बीच में सरकार गिर गई, मध्य प्रदेश में चुनावों में मैंडेट मिला लेकिन बीच में सरकार गिर गई, तो ऐसे में अगर ऐसा कुछ होता है या कहीं मतलब सरकार नेतृत्व बदल गया, या अगर ऐसे में कहीं होता है कि सरकार अल्पमत में आ जाती है, तो ऐसे में फिर वहां पर दोबारा से मिड टर्म पोल होते हैं, या फिर तो ऐसे में क्या सिचुएशन होगी, क्या उसका प्रावधान होगा, क्योंकि फिर तो डिसयूनिफॉर्मिटी बार बार आती रहेगी। आप एक बार इलेक्शन करा देंगे लेकिन फिर प्री मेच्योर डिसोल्यूशन किस असेंबली का हो गया तो फिर वो असेंबली ड्यू में चलती रहेगी, तो वहां पर क्या प्रावधान होंगे, क्या प्रपोजल होंगे, ये तमाम चीजें जब हमने कुछ ऑप्शन सजेस्ट किए गए थे। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।